आपको ये जानकर गर्व होगा कि देश भर के सरकारी दफ्तरों के साथ कई मंत्रालयों पर शान से लहराने वाले तिरंगे झंडे ग्वालियर में तैयार होते हैं। यहाँ से दूसरे राज्यों में तिरंगा झंडा जाता है। कैसे बनता है ये तिरंगा, देखते हैं। मेरी शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, और ये ग्वालियर में बनता है। जी हाँ, देश की आन बान शान कहलाने वाला तिरंगा झंडा मध्य प्रदेश में सिर्फ ग्वालियर में ही बनकर तैयार होता है। ये देश के हुगली मुंबई के बाद तीसरा खादी संघ केंद्र है जहां ISI प्रमाणित झंडा तैयार होता है। झंडा बनाने की प्रक्रिया आसान नहीं है। किसी भी आकार के तिरंगे को तैयार करने में उनकी टीम को 5 से 6 दिन का समय लगता है। यहाँ बनने वाले तिरंगे झंडे मध्य प्रदेश के अलावा बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात समेत कई राज्यों में जाते हैं। तो हमारे यहाँ से UP, MP पूरा कवर होता है, राजस्थान और गुजरात, दिल्ली तक हमने अभी तक सप्लाई की है। तो काफ़ी बड़ी बड़ी जगह भी वहाँ से जाते हैं। 18 से 20 टेस्टिंग प्रोसेस हैं, उनसे गुजरने के बाद, ओके करने के बाद हम ये फ्लैग को डन करते हैं, तब हम इसे ISI के लिए अप्रूव देते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में इस्तेमाल होने वाली रस्सी और उसमें लगने वाले गुटके का भी विशेष महत्व है। इसे खास तरह से ध्वज के लिए डिजाइन किया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज के रंगों के लिए लैब में कई चरणों में टेस्टिंग की जाती है ताकि उसे रंग रोगन के साथ निर्धारित मानकों के अनुरूप तैयार किया जा सके। इसके अलावा कटाई, सिलाई और झंडे का नाप ये भी राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ही रखा जाता है। एक्चुअली हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी स्टार्टिंग टेस्टिंग की हम स्पिनिंग से ही स्टार्ट कर देते हैं। स्पिनिंग से टेस्टिंग करके जब धागा बन के आता है, फिर उसके बाद हम उसकी बुनाई करवाते हैं, वीविंग करवाते हैं। वीविंग की टेस्टिंग होने के बाद हम उसे 3 रंग में रंगाई करवाते हैं। उसकी टेस्टिंग होने के बाद फिर हम ये अशोक चक्र छब्बा के सिलाई करके हम राष्ट्रीय ध्वज को निर्माण करते हैं। ये संस्था तो 1930 में स्टार्ट हुई थी। गांधी जी ने जब चरखा आंदोलन चालू किया था भारत स्वतंत्रता के टाइम पे, उस टाइम चालू हुई थी। अपन लोग राष्ट्रीय ध्वज काफ़ी पुराना बना रहे हैं, लेकिन BSI सर्टिफाइड अपन 2016 से बना रहे हैं। कपड़ा बनाना है, नॉर्म्स के हिसाब से कितने धागे खड़े में लगेंगे, कितने आड़े में लगेंगे, कितना वजन होना चाहिए धागे का। उसके बाद फिर जब धागे सिलाई होती है ना, उसके नॉर्म्स फिट है कि इतना भाई इतने का होना चाहिए, है ना। इसमें जो गुल्ली डलती है ना, वो भी MM में फिक्स है कि इतने भाई इतने की होना चाहिए। जो है ना, इसमें रस्सी लगती है वो भी फिक्स है कि वो वाली सीसल वुड की होना चाहिए ना। तो ये सब चीज़ें उसमें मायने रखती हैं। महात्मा गांधी के चरखा आंदोलन से प्रेरित होकर गांधीवादी नेताओं ने ग्वालियर में मध्य भारत खादी संघ की स्थापना 1925 में की थी। 1956 में मध्य भारत की अनुमति 2016 में मिली। राष्ट्रीय ध्वज तैयार होने से पहले कई चरणों में, जैसे लंबाई, चौड़ाई, झंडे के कलर और उसमें प्रयोग होने वाले धागों को कई जांचों से होकर गुजरना पड़ता है। यही वजह है कि ग्वालियर केंद्र को तिरंगे की बेस्ट क्वालिटी, बुनाई और स्पिनर के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज़, ग्वालियर।